तो बच्चों आज मैं अपना कारवां आगे बढ़ाता हूं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था सागर नीतल का उच्चावच। सागर नीतल के उच्चावच बताने के क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि सागर नीतल का जो उच्चावच है यह विविधता युक्त है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियां पाई जाती हैं, यानी कि सागर नीतल पर उसी प्रकार की शिलाकृतियां पाई जाती हैं जैसे आपके स्थली भाग पर मिलते हैं। और यह सभी अध्ययन विशेष रूप से चैलेंजर अभियान के अंतर्गत किया था। इससे संबंधित कुछ और जनरल बातें भी मैंने बताई थी। और फिर उसके बाद मैंने विशेष रूप से चर्चा महाद्वीपी मग्न तट के बारे में किया था और मैंने बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया था कि महाद्वीपी मग्न तट सागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो लगभग 7.5 to 8% एरिया में फैला हुआ है। बट यह वेरी करता है, अलग अलग महासागरों में अलग अलग पाया जाता है। जैसे अटलांटिक महासागर के कुल फ्लोर के लगभग 13.5% एरिया पर महाद्वीपी मग्न तट है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, तो वहीं पर हिंद महासागर में आप देखेंगे लगभग 8% एरिया पर फैला हुआ। फिर एक ही महासागर के अलग अलग भागों में इसका विस्तार अलग अलग पाया जाता है, जिस पर मैंने चर्चा की। फिर सामान्यतः ये भी मैंने आपको बताया था कि जिन तटों के साथ यंग सॉलिड माउंटेन्स पाए जाते हैं वहां पर महाद्वीपी मग्न तट बहुत संकरी होते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के तट पर क्रमशः रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, तो अतः यहाँ पर मग्न तट बहुत ही संकरी हैं। और इसी क्रम में मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि चिली के तट पर सबसे संकरे मग्न तट पाए जाते हैं जो लगभग 15-16 किलोमीटर। तो वहीं पर अटलांटिक वहीं पर आर्कटिक महासागर में रशिया के तट पर, साइबेरिया के तट पर आप लोग देखोगे महाद्वीपी मग्न तट बहुत ही चौड़े पाए जाते हैं। इस क्रम में बच्चों और भी मैंने बातें की थी, जैसे मैंने बताया इसका महत्व क्या है, तो उस महत्व के क्रम में मैंने बताया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ओशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द ओशन, बिकॉज इन दिस रीजन नियर अबाउट 80% बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑफ द ओशन। महासागर की लगभग 80% जैविकता इन्हीं भागों में पाई जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि यह महासागर में खाद्य श्रृंखला का आधार है, इसे पाश्चर ऑफ द ओशन कहा जाता है, इसे महासागर का चारागाह कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ड्यू टू हाई लेवल और हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पर प्लैंकटन्स वगैरह खूब सारे मिलते हैं, तो छोटी मछलियों का विकास होता है, फिर बड़ी मछलियों, फिर और बड़ी। इस क्रम में मैंने ये भी बताया था कि विश्व में लगभग 9 करोड़ टन फिश डिफरेंट पार्ट में पकड़ी जाती हैं, जिसमें विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोगों ने उत्तरी सागर का डॉगर बैंक, ग्रेट फिशरीज बैंक जरूर सुना होगा, वहीं पर कनाडा के तट पर ये वाला जो रीजन है कनाडा का, यहाँ पर भी आप लोगों ने ग्रांड बैंक, न्यू फाउंड लैंड बैंक, पीरी बैंक, जॉर्ज बैंक, नंबर ऑफ बैंक के नाम सुने होंगे, दिस वेरी फेमस एंड सेम आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको, बहुत सारे क्षेत्रों में फिश होती है। दिस रीजन इज ऑल्सो इक्वली फेमस फॉर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वर्ल्ड्स नियर अबाउट 25% पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फाउंड इन दिस रीजन। आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे पर्शियन गल्फ का जो क्षेत्र है दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया के संदर्भ में मैंने चर्चा किया था कि भारत में बॉम्बे हाई जो है यह महाद्वीपी मग्न तटों के क्षेत्रों में पाया जाता है। बच्चों कारवां मैं यहीं से अपना आगे बढ़ाता हूँ, और ये जैसा मैंने बताया था कि यहां तक का जो क्षेत्र है ये महाद्वीपी मग्न तट, तो वहीं आप देखोगे यहां से लेके ये वाला जो रीजन है महाद्वीपी ढाल कहलाता है। आप लोग देख रहे होगे यहां पर कि यह जो महाद्वीपी ढाल का क्षेत्र है वास्तव में ढाल बहुत तेज है, यहां पर ढाल प्रवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सामान्यतः देखा जाता है यहाँ पर ढाल प्रवणता 3 से 5 डिग्री के बीच में होती है, परंतु कभी कभी तो यहाँ पर ढाल प्रवणता 3 से 45 डिग्री या कभी कभी 60 डिग्री तक भी पाई जाती है, एक्सेप्शनली समवेयर फाउंड इट। तो सामान्यतः आप लोग ध्यान रखिएगा ढाल प्रवणता इसकी 3 से 5 डिग्री और इसकी गहराई सामान्यतः 2000 मीटर तक पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों
कभी कभी देखा जाता है कि इसकी गहराई 3600 मीटर, 3000 से भी अधिक यानी 3600 मीटर तक पाई जाती है, यानी ये काफ़ी गहरा भाग है। और यह भी महासागर के जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 8% एरिया पर फैला हुआ है। बच्चों यही पे बात बता दूं कि कई बार इस टाइप के जो डाटा होते हैं ना, इसमें हल्का फुल्का किसी किसी बुक में वेरिएशन होगा, कहीं पर हो सकता है 8.5 हो, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। Simply, you can say it cover near about 8% total area of the oceanic floor. Clear? इसमें खास बात ये देखी जाती है, चूंकि यह काफी गहरा भाग है तो सूर्य की किरणें इतनी गहराई तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, परिणाम स्वरूप ये होता है कि इस भाग में देखा जाता है कि जैव विविधता उतनी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस तरह से यह खास उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं, परंतु हाँ, जिन तटों के साथ महाद्वीपीय ढाल पाए जाते हैं वहां पर बंदरगाहों के विकास में बहुत ही सहायक भूमिका उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बंदरगाहों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बच्चों आप लोग देखोगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह, जैसे यूएस में आप लोगों ने सैन डियागो सुना होगा, लॉस एंजिल्स सुना होगा, यहाँ पर कनाडा में वैंकूवर सुना होगा, यहीं पर अलास्का रीजन में आप लोगों ने एंकरेज सुना होगा। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एंड इसी तरह से आप साउथ अमेरिका में जाओगे तो पेरू सुना होगा, या इक्वेडोर का एक बड़ा फेमस पोर्ट है गुआक्विल। ऑल दीज पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आप देखो यहाँ पर गहराई मिल रही है ना, तो ऐसे में बड़ी से बड़ी जहाज आसानी से यहाँ पर तट पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से बंदरगाहों के विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसके विपरीत यहाँ पर जाओगे महाद्वीपीय मग्न तटों में, इन मग्न तटों के क्षेत्रों में सामान्यतः उतने बड़े बड़े जहाज नहीं जा पाते, इसीलिए यदि ऐसे तट के साथ कहीं पर महाद्वीपीय मग्न तट ज़्यादा डेवलप है तो वहाँ पर आप देखेंगे आर्टिफिशियल पोर्ट बनाने पर। इसीलिए आप लोग भारत में देखोगे ज़्यादातर पोर्ट हमारे आर्टिफिशियल हैं या फिर ज्वारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ढाल मंद है। परंतु उसका हमें दूसरी तरह से लाभ मिलता कि वहां पर पर्यटन का अत्यधिक विकास हुआ। चलिए इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। देन बच्चों उसके बाद आप देखोगे अनदर एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन इज अगाध मैदान या महासागरी मैदान, एबिसल प्लेन या ओशनिक प्लेन। ये बात ध्यान रखना, ओशनिक प्लेन महासागर का सबसे बड़ा भूभाग है, यानी कि सबसे अधिक इसी का विस्तार पाया जाता है, और यह एक मंद ढाल का क्षेत्र, देखो यहाँ पर बहुत ही मंद ढाल है, और इसे यह एक रोलिंग प्लेन सा, यानी कि हल्का उठता हल्का गिरता उठता गिरता, एक तरंगित यानी कि रोलिंग प्लेन का एग्जाम्पल है, इस रूप में आप कह सकते हो। इसकी गहराई लगभग 6000 मीटर तक पाई जाती है, ध्यान रहेगा, इट हैज डेप्थ अप टू 6000 मीटर। क्लियर, और एक खास बात यह भी है, इट्स ऑल्सो वेरी फ्रॉम ओशन टू ओशन। जैसे आप प्रशांत महासागर में जाओगे तो प्रशांत महासागर में देखोगे कि उसके लगभग 80% भाग पर इसका एक्सपेंशन पाया जाता है। ठीक है, और वहीं पर इंडियन ओशन में जाओगे तो वहीं नियर अबाउट 75% है, और वहीं प्रशांत वहीं पर अटलांटिक महासागर में जाओगे तो नियर अबाउट 53% जो फ्लोर है वो क्या है, महासागरी मैदान। अब यहां सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा क्या है, तो इसमें आप देखोगे मग्न तटों का विस्तार अधिक है या दूसरे फीचर्स का विस्तार अधिक पाया जाता है, इसीलिए अगाध मैदान या महासागरी मैदानों का विस्तार तुलनात्मक रूप से कम। तो बच्चों ये याद रहेगा। हाँ, इसमें एक बात और भी याद रखना, जो आपके प्रीलिम्स के लिए आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह काम आता है, चाहे जीएस हो या ऑप्शनल सब जगह, कि इसमें आप देखोगे कुछ और दूसरे प्रकार के फीचर्स भी मिलते हैं। उसी क्रम में देखो, एक छोटी पहाड़ी जैसी पहाड़ मिलता है, एक कुछ फ्लैट सा पहाड़ मिलता है, एक बड़ी ऊंची पहाड़ी मिलती है, जिनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं।
यानी कि ये कह सकते हो महासागरी मैदानी भागों में ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई तीन प्रकार की महत्वपूर्ण फीचर्स मिलते हैं, स्थलाकृतियां मिलती हैं, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीमाउंट, गुयोट और कटक। सामान्यतः सीमाउंट और गुयोट की जो हाइट होती है यह लगभग 1000 मीटर तक होती है, याद रहेगा, और ये दोनों ज्वालामुखी की क्रिया से बने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ज्वालामुखी की क्रिया से और यह भी ज्वालामुखी की क्रिया से बनी बने होते, यानी तीनों फीचर ज्वालामुखी की क्रिया से बने होते, परंतु इन दोनों की हाइट जो है लगभग 1000 मीटर होती है। सी माउंट को परिभाषित करें तो कह सकते हैं सी माउंट ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई लगभग 1000 मीटर ऊंची छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। इन्हें जर्मन भाषा में नोल भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में नोल भी कहते हैं, KNOLL नोल, ठीक है। बाकी आप लोग सिंपल, आपके लिए गुयोट बहुत है तो जस्ट मैंने बोल दिया, ठीक है। तो सी माउंट पाए जाते, जब सी माउंट का ऊपरी भाग फ्लैट होता है, ध्यान दो यहाँ पे फीचर्स, बस आप पढ़ते रहो, आप पढ़ने क्रम में बस बोर्ड पर डायग्राम्स वगैरह पर विशेष ध्यान दिया करो बच्चों, पढ़ने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो वे है वो डायग्राम के द्वारा पढ़ना होता है। यदि डायग्राम के द्वारा आप पढ़ते हैं तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो मेंस में, ना तो प्रीलिम्स में, ना ऑप्शनल में या जीएस में, एनीवेयर। तो यहाँ पर देखोगे जो छोटी पहाड़ियां जिनका ऊपरी भाग फ्लैट होता है उसे गुयोट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कटक। कटक को परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं कटक पानी में डूबी हुई बहुत ही लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हजारों हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं, यानी कि हो सकता है एंडीज रॉकीज से भी लंबी लंबी पहाड़ियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि विभिन्न सागरों में, यानी कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, विशेष रूप से अटलांटिक और हिंद महासागर में भी देखा जाए तो मोर देन 75,000 किलोमीटर लॉन्ग रिजिज आर फाउंड, यानी कि 75,000 किलोमीटर से लंबी कटक की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि ये प्रायः देखा जाता है कि महासागरों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं, इसीलिए मिड ओशनिक रिज भी कहलाते हैं, मध्य महासागरी कटक भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। मध्य महासागरी कटक का सिंपल, यानी कि ऐसी ऐसी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं जो सामान्यतः महासागर के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती हैं। यदि इस क्रम में आप देखेंगे तो ये देखिए, जैसे आप देखिए दिस इज अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के देखिए एकदम उत्तर से लेके सुदूर दक्षिण तक लगभग एस शेप में एक पानी में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, यही कहलाती है मिड अटलांटिक रिज, याद रहेगा, मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज। यह मिड अटलांटिक रिज लगभग 16,000 किलोमीटर लंबी है और एकदम सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण में फैली हुई, परंतु आप देखो यहाँ पर विषुवत रेखा पर ये थोड़ी कट जा रही है, यहाँ पर गैप हो जा रहा है, तो इसके दो पार्ट मान लिए जाते हैं, एक उत्तरी पार्ट और एक दक्षिणी पार्ट। उत्तरी पार्ट को डॉल्फिन कहते हैं, आपको यदि याद हो तो आप लोगों ने मूवी देखी हो टाइटैनिक, टाइटैनिक मूवी जब चल रही है तो देखिए उसमें डॉल्फिन खूब कूद रही हैं, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस क्षेत्र में डॉल्फिन मिलने की वजह से इसकी नेमिंग कर दी गई है डॉल्फिन रिज। तो डॉल्फिन रिज उत्तरी अटलांटिक महासागर में और इसका दक्षिणी भाग ये जो है चैलेंजर कहलाता है। चैलेंजर आपको याद हो वही अभियान जब हुआ था उसी जहाज के नाम से इसको चैलेंजर रख दिया गया, और ये वाला इसी का भाग जो अफ्रीका के तट की ओर मुड़ता है यही कहलाता वेल्विस, वेल्विस कटक। तो इस तरह से ध्यान रखना, इसी के उत्तर वाले भाग में यहां पर एक पठार सा फीचर मिलता है, उसे ही कहते हैं टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार के मतलब यह है कि यहां पर सबसे पहले टेलीफोन लाइन अंडर द सी, इन द सी
इस्टेब्लिश की गई थी, इसलिए इसका नाम हो गया टेलीग्राफिक प्लेटो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखेंगे पठार मिलते हैं। उसी तरह जब हिंद महासागर में आओगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे देखो कटक मिलेंगे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण भारत के पश्चिमी भाग में लक्षद्वीप चागोस कटक। ठीक है, यही नीचे जब आ जाता है तो सेंट पॉल एम्स्टर्डम कटक हो जाता है, और यही जब नीचे की ओर आ जाता है तो इंडियन अंटार्कटिका कटक हो जाता है। इसी के दक्षिणी भाग में यहाँ पर आपको कार्लसबर्ग कटक, कार्लसबर्ग कटक और सेंट पॉल एम्स्टर्डम, दिस इज सेंट पॉल, यहीं पर देखोगे आपको और दूसरे मिलेंगे। तो उसमें एक मिनट, हाँ ये वाला यहाँ पे सेंट पॉल है, तो ये वाला जो है कार्लसबर्ग कटक है। इन सभी को ध्यान रखना, बस आप सिंपल ध्यान रखिए, कई बार पेपर में आते हैं प्रीलिम्स में, ये ऊपर नीचे इनकी पोजीशन पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि मध्य जो महासागरी कटक है ये अलग अलग महासागरों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जब हम प्रशांत महासागर में जाते हैं तो प्रशांत महासागर में वास्तविक अर्थों में कटकों की उपस्थिति नहीं पाई जाती, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं मानते। हाँ, इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर देखोगे तो नॉर्थ आप देखोगे साउथ पैसिफिक रीज यहाँ पर इसके भाग में मिल जाता है। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद कारवा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे आप देखो ये क्या है, गर्त। गर्त का मतलब बच्चों कुछ फीचर से समझ में आ रहा होगा, यानी कह सकते हैं महासागर का अत्यंत संकरा और सबसे गहरा भाग। बोल सकते हैं कि नहीं कि गर्त अत्यंत संकरा एवं लंबा तथा गहरा भाग होता है जो अलग अलग महासागरों में अलग अलग प्रक्रियाओं से बना होता है। विशेष रूप से इसके बनने में टेक्टोनिक प्रोसेस यानी विवर्तन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों इस क्रम में यदि हम देखें तो अब तक विभिन्न अभियानों के द्वारा 57 ट्रेंचेस ढूंढी जा चुकी है। ठीक है, और इनमें से लगभग 32 ट्रेंचे पैसिफिक में ढूंढी गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्रेंच कहां पे है, पहली बात प्रशांत महासागर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरी ट्रेंच भी मिलती है, मारियाना ट्रेंच। याद आप लोगों को, मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच मानी जाती है। ठीक है, यह कई सौ किलोमीटर लंबी है और अत्यंत गहरी, लगभग 11,033 मीटर लंबी एक गर्त। ठीक है, आप लोग इसको देखना चाहते हो तो ये देखिए सामने डायग्राम में आपको समझ में आता है कि यहाँ पर क्यूराइल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच, बोनिन ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, यहीं पर फिलीपींस द्वीप है और इसी के पूर्वी भाग में मारियाना है और वहीं बगल में मिंडनाओ। तो इस तरह से प्रशांत महासागर में ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंच, इनको ध्यान रखना आपके पेपर के लिए। अब ये सब महत्वपूर्ण क्यूराइल है, बोनिन है, मारियाना है, मिंडा, जापान चूंकि नाम है तो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज कम है। यहीं पर इसके सदर्न भाग में अटलांटिक महासागर के देखोगे ट्रोंगा है, फिर आपका कर्नाटक, यहीं पर पेरू है, चिली है, फिर यहीं पर ग्वाटेमाला ट्रेंच है। तो बहुत सारी ट्रेंचेज मिलती हैं जो देशों के नाम पर सीधे सीधे हैं, उनको पूछने जाने की संभावना कम है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, बट जो थोड़ा नाम हट के है वही आपके पेपर के लिए, उन्हें ही मैंने यहाँ पर टेबल पर बना दिया। बच्चों इनको ध्यान रखना, ये जो टेबल मैंने बनाया है क्वेश्चन यहीं से आने, मैंने यहाँ लिख दिया क्यूराइल ट्रेंच, और माइनूट ढंग से भी पूछ दिया जाए तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, बोनी ट्रेंच, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, मारियाना ट्रेंच, मिन्नाओ ट्रेंच, कर्मा मिन्नाओ ट्रेंच सभी उत्तरी प्रशांत में, कर्माडेक ट्रेंच, कर्माडेक टोंगा दक्षिणी प्रशांत, देखो उधर साइड में, फिर जावा ट्रेंच हिंद महासागर, ये देखिए जावा ट्रेंच है हिंद महासागर में, और प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर। इसमें फिर एक बात ध्यान रखना, दो तीन फैक्ट मैं विशेष रूप से डिस्कस कर दूं। यदि हम कहें यदि हम ये कहें कि दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच कौन है तो आपका नाम आंसर क्या होगा, मारियाना। कहाँ मिलती है, तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर।
फिर यदि ये पूछ दिया जाए अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन है, तो ध्यान रखना फ्यूटोरिको ट्रेंच, या फिर पूछ दिया जाए हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन है, तो डेफिनेटली जावा। ठीक है, बाकी आपको 57 से विशेष कोई मतलब है नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी गर्तें भी पाई जाती है, याद रहेगा। फिर बच्चों कटक भी मैंने यहाँ पर बना दिया, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके 5-6 हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे चैलेंजर कटक कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर में नीचे वाला, तो डॉल्फिन कहाँ है उत्तरी वाले में, फिर बेलविश कहाँ है दक्षिणी पूर्वी, ये देखिए बेलविश एंड दिस इज चैलेंजर एंड दिस इज डॉल्फिन, फिर टेलीग्राफिक पठार वो ऊपर वाला भाग जो है, एंड लक्षद्वीप चागोस यहीं पे है, और यहीं पे सेंट पॉल एम्स्टर्डम भी है। एंड हिंद महासागर और ये वाला है कार्लसबर्ग कटक, कार्लसबर्ग। इस तरह से बहुत सारे कटकों की उपस्थिति आप देख सकते हैं। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए इसको याद करना जरूरी, और देखता हूँ बच्चे याद करने में ही परेशान हो जाते, तो मैं उसका एक मंत्र बताता हूँ। आप लोग मेरी वाली बुक आती है विश्व भूगोल मानचित्रावली, उसको देख सकते हैं, या फिर आपके पास एटलस है, एटलस बच्चों जरूर देखा करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये मानना पड़ेगा एटलस इज द ओशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसके आप लास्ट पेज में जाएंगे तो पीछे साइड में अलग अलग महासागरों के फीचर्स दिए हुए, उसमें ये सभी दिया हुआ, उसमें आप लीजिए कट एंड ड्रॉ, आप जानते होंगे कट एंड ड्रॉ उठाइए, कट एंड ड्रॉ बेसिकली खाली मैप की बुकलेट, या बचपन में आप लोगों को मैडम ने भरवाए हो कभी मैप्स, तो उनको लेके आउटलाइन लीजिए वर्ल्ड का, और वर्ल्ड की आउटलाइन लेके उन सभी को भरिए, ये सभी भर देंगे, 2-3 बार भरेंगे एकदम पिक्चर याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या। तो चलिए एक बार फिर बोल दीजिए आप लोग, क्यूराइल उत्तरी पश्चिमी प्रशांत, बोनिन उत्तरी पश्चिमी प्रशांत, मारियाना उत्तरी पश्चिमी प्रशांत, मिन्नाओ उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाए जाते, तो वहीं कर्माटक और टोंगा दक्षिणी प्रशांत में मिलते, तो जावा हिंद महासागर में मिलता है, तो वहीं प्यूटोरिको उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलते। हालांकि यहाँ पर नेरिस है, केप वर्डी है, इस तरह के भी, या साउथ में स्कोटिया है, ऐसे बहुत सारे भी मिलते, परंतु वो इतना महत्वपूर्ण सेकंड लेवल पर। जावा ध्यान रखना हिंद महासागर का सबसे गहरा, एंड प्यूटोरिको अटलांटिक महासागर, और ये कटक विशेष रूप से ध्यान रखिए, फिर से बोलिए चैलेंजर दक्षिण अटलांटिक महासागर, डॉल्फिन उत्तरी अटलांटिक महासागर, वेलविस दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर, और लक्षद्वीप चागोस हिंद महासागर, और साथ ही साथ ये मैंने बताया कार्लसबर्ग और सेंट पॉल, ये भी हिंद महासागर के महत्वपूर्ण कह सकते हैं कटक है, तो इस पे आप लोग काम कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही नंबर दिया था कि आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9873286436। ठीक है, चलिए बच्चों कारवा आगे बढ़ाते, यानी कि गर्त में भी, गर्त में भी हम गिरे पहुंचे, और वहां से अब निकलते हुए आगे बढ़े, तो देखेंगे सीधा देखेंगे जहां पर ये गहरा भाग है वहीं पर आप लोग देख रहे हो एकदम ऊंचा भाग पानी से ऊपर, द्वीप कहते हैं। तो द्वीप क्या है बच्चों, व्हाट इज द्वीप आइलैंड्स, द्वीप यदि परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, याद रहेगा एक छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे ही द्वीप कहा जाता है। यदि इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी कि अलग अलग महासागरों में सैकड़ों हजारों द्वीप पाए जाते हैं, है ना। द्वीपों की खोज के क्रम में अब तक देखा गया लगभग सभी द्वीप खोज ही लिए गए, अब तो कोई पृथ्वी का कोई ऐसा भाग है ही नहीं बचा जो ऐसा हो कि हम कहें कि भाई
अभी खोजा नहीं गया है, सभी भाग खोजे जा चुके हैं। यदि हम इस दिशा में बात करें तो माना जाता है कि लगभग 25,000 से अधिक द्वीप अलग अलग महासागरों में फैले हुए, जो छोटे बड़े विभिन्न आकार के, कुछ कुछ द्वीप इतने बड़े हैं बड़े बड़े देशों जैसे, तो कुछ द्वीप इतने छोटे हैं जैसे आपके मुखर्जी नगर जैसे, या हो सकता है बत्रा कॉम्प्लेक्स जैसे हो, है ना। यानी कि आकार में बहुत छोटे द्वीप भी हैं, आकार में बड़े द्वीप भी हैं, ठीक है। और इनकी संख्या 25,000 से भी अधिक है। बच्चों एक और बड़ी खास बात है इसमें, यहाँ पर देखोगे ये जो द्वीप बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ये आकार में कुछ छोटे बड़े तो हैं ही, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से बने हुए, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं से बने हुए। कुछ द्वीप ज्वालामुखी से बने हुए हैं, तो कुछ द्वीप ड्रिफ्टिंग से बने हुए, प्रवाह से बने हुए, कुछ द्वीप निक्षेपण से बने हुए और कुछ द्वीप प्रवाल से बने हुए। मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस ने रोल प्ले किया है, अलग अलग बलों ने रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के द्वीपों का निर्माण हुआ। जरा देखें हम लोग कैसे द्वीपों के बनने की बात थोड़ा मैं समझा दूं, फिर मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा। बच्चों मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। यानी कि द्वीपों के प्रकार की बात करें तो विभिन्न प्रकार के द्वीप मिलते हैं। पहला आपका ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी की क्रिया से बने द्वीप, याद रहेगा बच्चों। दूसरा क्या है, प्रवाल निर्मित द्वीप, तीसरा क्या है, निक्षेप जनित, और चौथा क्या है तो आप कह सकते हो प्रवाह द्वीप, प्रवाह निर्मित द्वीप, यानी वॉल्केनिक फॉर्म्ड आइलैंड, कोरल फॉर्म्ड आइलैंड, डिपोजिशनल आइलैंड एंड ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्ट आइलैंड। ये अलग अलग तरह के आइलैंड विशेष रूप से विश्व के अलग अलग भागों में देखा जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा आप लोग सोचिए, ये यहाँ पर मैंने अभी कहा ज्वालामुखी की क्रिया से बने हुए हैं, है ना। सपोज ज्वालामुखी की क्रिया हुई, कुछ दिनों तक हुई, ये लगभग ऊपर उठ गया तो लगभग 1,000 मीटर ऊंचा हुआ, बंद हो गया, खत्म कहानी हो गई। ये ऊपर उठा कुछ ऊंचाई पे, बंद हो गई। बट जरा सोचिए बच्चों, यह जो ज्वालामुखी की क्रिया है यह निरंतर होती रहे तो, या लंबे समय तक होती रहे, यानी कि हजारों लाखों सालों तक होती रहे, तो क्या जमा नहीं होता जाएगा? आप जरा देखो, यानी कि यह जमा होती रहेंगे और ऐसे फिर एक दिन ऊपर आ जाएंगे। ये देखो, ऐसे यहां पे भी हो सकता, ये जो कटक इतना लंबा है किसी पॉइंट पर हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन होता रहे, ज्वालामुखी की क्रिया होती रहे, और ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो ये देखिए साहब जी ऊपर आ गए, ये क्या कहलाएंगे बोलिए जल्दी से। यस, ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड ऐसे मिलते हैं ज्वालामुखी की क्रिया से, और ज्वालामुखी की क्रिया से बने हुए द्वीप बड़े महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज्वालामुखी की क्रिया से बने हुए जो द्वीप होते हैं उनकी मिट्टी काली होती है, और आप लोग जानते हैं काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है,
है ना। यदि उस कटिबंध में होगा तो वहाँ पर गन्ना, वहाँ पर चावल, इस टाइप की खूब सारी खेती होगी, और खेती होगी, खाना होगा, खाना होगा तो खाद्य सुरक्षा होगी, खाद्य सुरक्षा होगी तो लोग होंगे। इसीलिए आप लोग देखोगे विश्व के जहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप मिलते हैं वहाँ पर बड़ी जनसंख्या पाई जाती। जरा दिमाग लगाइए दुनिया के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो द्वीपी हैं और बड़ी जनसंख्या भी है उनकी, दिमाग लगाए जल्दी से। यस, जापान। जापान के आप लोगों ने द्वीप होंशु का नाम सुना होगा, ठीक है। होंशु जो द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, जिस पर जापान की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या रहती है और उसके अधिकांश बड़े शहर इसी द्वीप पर है, जैसे टोक्यो, कोबे, नगोया और जो भी सोच सकते हैं, मोस्ट ऑफ सिटीज आर सिचुएटेड ओवर देयर। ये ज्वालामुखी की क्रिया से बनी है, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों ने इंडोनेशिया में जावा द्वीप का नाम जरूर सुना होगा, जहां पर द्वीपों पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने क्यूबा का नाम सुना होगा, ठीक है, मॉरिशस का नाम सुना होगा, फिजी का नाम सुना होगा। बच्चों कहीं पर मंत्र भी बता देता हूं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि कैसे पहचानोगे कि कोई द्वीप ज्वालामुखी की क्रिया से बना हुआ। तो मैंने अभी एक एग्जांपल बोला कि यदि द्वीप सघन घनत्व वाला है तो आप प्राइमरली पहचान सकते हो कि यस ये ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ होगा। सामान्यतः ये द्वीप आकार में बड़े होते हैं और काले मिट्टी के क्षेत्र होते हैं, अतः सघन जनसंख्या पाई जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यदि द्वीपों पर बड़ी मात्रा में भारतीय रह रहे हैं और वह द्वीप निम्न अक्षांश पर स्थित है और भारतीयों की भी जनसंख्या है, तब तो पक्का है द्वीप वो ज्वालामुखी का बना हुआ, इसमें कोई डाउट ही नहीं, इफ एंड बट की बात ही नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर इसका क्या मतलब, भारतीयों का क्या मतलब भाई? है मतलब है, उसको आप लोग इतिहास में जब जाओगे तो इस बात को समझोगे कि भूगोल का क्या संबंध है इतिहास से और इतिहास का क्या संबंध है भूगोल से। इस पर आपका ऐसे भी आया हुआ। बच्चों थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक बात कर दूं ताकि भूगोल दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। अंग्रेज जब इंडिया में आए तो सरप्राइज हो गए, भाई देखें यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती होती है और गन्ने से चीनी बनती थी। इंडिया में वैसे चीनी तो नहीं बनती थी परंतु उसी के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते थे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा खांड, बूरा, है ना, गुड़, भेली, ये अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग होता है। अंग्रेजों ने सोचा अरे भाई इंडियन लोग तो परंपरागत रूप से ज्ञानी हैं, क्यों ना यहां से चीनी का निर्यात किया जाए, है ना। तो ऐसे में वे भारत से गिरमिटिया मजदूर के रूप में विश्व के विभिन्न भागों में भारतीयों को लेके गए, है ना, वहां पर खेती कराते, जैसे फिजी में और आपके मॉरिशस में, क्यूबा में भी, जमैका में भी। इसलिए कभी वेस्ट इंडीज में आप देखेंगे, वेस्ट इंडीज में बड़ी संख्या में इंडियन लोग रहते हैं और टीम जब क्रिकेट की आती है तो देखोगे उसमें कुछ ना कुछ भारतीय लोग जरूर होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब सिंपल ये है कि वहाँ पर गन्ने के प्रोस्पेक्ट्स को उन्होंने समझा और भारतीय लोगों को यह ज्ञान पहले से था और उस समय यानी कि 19वीं सदी 20वीं सदी में चीनी यूरोप में बड़ा लग्जरियस आइटम हुआ करती थी और इस लग्जरियस आइटम के लिए वहाँ पर विशेष रूप से आप लोग जानते हो तो वहाँ पर चुकंदर से चीनी बनती है और चुकंदर से चीनी बनाना बड़ा कठिन काम है और महंगी प्रोसेस है, इसीलिए चीनी कभी बड़ी महंगी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने इस प्रोस्पेक्ट्स को समझा कि भाई यहाँ पर हम चीनी बनाएं और यूरोप में बेचें, कोई प्रॉब्लम नहीं, भारतीय लोग जो हैं बनाएंगे, ज्ञानी तो है ही, चलिए खैर। तो इसलिए इस रूप में आप सिंपल पहचान सकते हैं कि ऑल दीज आइलैंड्स आर। या फिर इंडिया में आप लोग जाओगे तो आपने जरूर सुना होगा नारकुंडम और बैरन, नारकुंडम और बैरन द्वीप जो हैं ये इस रूप में बड़े ही फेमस हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में
ये दोनों द्वीप जो हैं ज्वालामुखी की क्रिया से बने हुए अंडमान निकोबार में ये दोनों द्वीप स्थित है, ध्यान रखने पेपर में पूछा जाता है। तो ये हो गया ज्वालामुखी की क्रिया से बने हुए द्वीप। प्रवाल निर्मित द्वीप, प्रवाल बच्चों जानते हो क्या होता है? आप लोगों ने घोंघा सीपी तो देखा होगा, सेल्स देखी होगी घोंघा सीपी। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा, आपके टॉपिक में आएगा कैसे बनते हैं। बस सिंपल यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि एक विशेष किस्म के जीव होते हैं घोंघा प्रवाल, जिनकी खोल कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ये जहाँ ऑप्टिमम गहराई मिलती है वहाँ पर रहना प्रारंभ करते हैं, और जब एक कुछ दिनों बाद मर जाते हैं तो इनकी खोल के ऊपर इनकी जो अगली संतति है वहीं पर घरौंदा बना लेती है और वहीं पर रहने लगती है। तो अगली संतति उनकी भी यही करती है और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये देखो ढेर बनाते जा रहे हैं। और जब ढेर बनाते जाते हैं, ढेर बनाते जाते हैं, तो एक समय ये आता है कि ये काफी ऊंचे हो जाते हैं। इनकी ऊंचाई इस बात पर निर्भर करेगी कि सागर तल क्या है। जो प्रवालों को सागर तल मिल जाएगा ये फिर बनने बंद हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों इनकी खास बात, इनकी विशेषताओं में देखोगे आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे, और दूसरा ये कम ऊंचे होते हैं। खोल का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो खोल है वाली ये CaCO3 की बनी होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसे ही बड़ी सामान्य भाषा में आप बोलते हो चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की चट्टानें बड़ी कठोर होती हैं, इसी वजह से इन पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। नारियल ही यहाँ पे उग पाता है, नारियल के अलावा और कोई वनस्पति जल्दी बच्चों नहीं उग पाती है। परिणाम ये होता है कि इनकी उत्पादकता बहुत कम होती है और इसीलिए इन द्वीपों पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। याद रहेगा, जैसे अपने यहाँ विशेष रूप से आप लोगों ने लक्षद्वीप सुना होगा, या आप लोगों ने जरूर सुना होगा मालदीप। लक्षद्वीप और मालदीप आप देखोगे यहाँ पर इस क्षेत्र में फैले हुए द्वीपों की श्रृंखला है, जो विशेष रूप से प्रवाल के एग्जाम्पल हैं। या फिर बच्चों विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में यहीं पर देखोगे कोरल सी है। इस क्षेत्र में आप लोगों ने द्वीपों की श्रृंखला में विशेष रूप से माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, ये तीन जो द्वीपों के समूह हैं ये सभी एग्जाम्पल। इसी क्रम में आपने जरूर कुछ नाम सुने होंगे, जैसे सोलोमन द्वीप, मार्शल द्वीप, बेकनी द्वीप, एनिवेटक द्वीप, किरबाती, टुवालु, बनुआतु, बहुत सारे द्वीप सुने होंगे जो इस पूरे रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बच्चों ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रवाल से बने हुए द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, और प्रशांत महासागर में भी किधर, तो विशेष रूप से इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में, या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया पूर्वी होगा ना, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी सागर, पूर्वी भाग में जो कोरल सागर है उसमें बड़ी संख्या में इस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। या फिर इंडिया में जब आते हैं तो आप कह सकते हो विशेष रूप से लक्षद्वीप, मालदीप, अंडमान निकोबार या मन्नार की खाड़ी में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं, और कुछ द्वीप गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मॉरिशस के आसपास भी कुछ द्वीप इस तरह के मिलते हैं। फिर जब हम जाते हैं पैसिफिक ओशन अटलांटिक में, तो यहाँ पर कैरेबियन द्वीपों के क्षेत्र में भी कुछ द्वीप इस तरह के पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रवाल निर्मित द्वीपों को समझ सकते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। वर्तमान में द्वीप बड़े चर्चा में है। चर्चा का कारण क्या है भाई? तो चर्चा का कारण विशेष रूप से है कि इनकी ऊंचाई कम होने के कारण ये डूबने के कगार पर हैं। क्यों?
तो सी लेवल चेंज हो रहा है, महासागरों का लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ने की वजह से ये द्वीप धीरे धीरे डूब रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा किरिबाती द्वीप के, द्वीप समूह के कई सारे द्वीप तो पानी में डूब गए हैं, इसी तरह से मालदीव के बहुत सारे द्वीप डूबने के कगार पर हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद अगले पे हम बढ़ते हैं। अगले पे जब हम जाते हैं निक्षेप जनित, निक्षेप जनित द्वीपों से मतलब ये है कि स्थली भाग से अनेक नदियां जो आती हैं और बड़ी मात्रा में औसादों को लेकर आती, जरा सोचिए अपने औसादों को ये यहाँ पे जमा करती रहे करती रहे करती रहे, तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये ऊपर आ जाएंगे। जैसे गंगा के मुहाने पर जब आप जाएंगे बंगाल की खाड़ी में, तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों द्वीप देखेंगे। इनमें से एक रिसेंट बना हुआ द्वीप आप लोगों ने जरूर सुना होगा, विशेष रूप से कौन सा नाम बताइए जरा, न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप 1970-80, 70-72-75 तक इसकी बहुत ज्यादा क्लियर पोजीशन नहीं थी, परंतु बाद के समय में धीरे धीरे यह इमर्ज होने लगा और बाद में सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाकर इस द्वीप को अपने अंडर में ले लिया गया और वर्तमान में यह भारत सरकार के अंडर में। आप लोग जब कभी इंडो बांग्ला रिलेशन पढ़ोगे तो इंडो बांग्ला रिलेशन में यह तनाव का एक कारण भी कभी कभी दिखाई देता है। बांग्लादेश कहता है भैया मेरा, भारत कहता है अरे भैया तुम्हारा कैसा, हमारा, हमने इसको जीत लिया तो हमारा। खैर ये पॉलिटिकल इशूज है, पर ज्योग्राफिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ डिपोजिशनल आइलैंड एंड मेनली फाउंड इन फ्रंट ऑफ रिवर माउथ, नदियों के मुहाने पर प्राय मिलते हैं। और इसका कारण ये होता है कि नदियाँ अपने साथ औसादों को लेकर आती हैं और धीरे धीरे सागर के इस तटीय भाग में जमा करती जाती हैं। चलिए खैर, देन आफ्टर प्रवाह निर्मित द्वीप। प्रवाह निर्मित द्वीप समझ रहे बच्चों, प्रवाह बह जाना, कैसे भाई, जरा इमेजिन करो कि ये जो यहाँ पर मेडागास्कर साहब बैठे हुए हैं, मेडागास्कर द्वीप कभी अफ्रीका से जुड़े हुए, आप लोगों ने इस पर हॉलीवुड की एक मूवी भी देखी होगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आइस एज, देखिए तो ये पहले आज से नियर अबाउट 3 करोड़ साल पहले ये द्वीप यहां पर जुड़ा हुआ था और बाद में यह टेक्टोनिक क्रिया की वजह से अलग हो गया। ठीक है, और अलग होकर नए द्वीप का नए तरह का निर्माण कर दिया। तो मेडागास्कर आप लोग ध्यान रखना, आपको विश्वास नहीं होगा परंतु दिस इज ट्रू, इन द फ्यूचर ऐसा होगा जब हम लोग लाखों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद, या नहीं हो सकता है 2-4-5 करोड़ साल बाद हम लोग जब इंद्र के दरबार में बैठे हुए होंगे, तो हो सकता है अफ्रीका का ये जो पूर्वी भाग है जिसे ग्रेट रिफ्ट भी बोला जाता है, यह वाला क्षेत्र टूट के एक अलग द्वीप का निर्माण कर जाए। आप लोग अपने एटलस में जाइएगा तो यहीं पर लिखा होगा ग्रेट रिफ्ट वैली, तो ये देखो ये बनने की क्रिया चल रही है, आने वाले समय में लाखों सालों बाद यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये टूट के चला जाएगा। यानी कि मोजाम्बिक के तट से प्रारंभ होकर सोमालिया, कीनिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, इन सब का काफी बड़ा भाग एक अलग स्वतंत्र द्वीप के रूप में होगा अफ्रीका का, यानी कि नया महाद्वीप बन सकता है, एक नया द्वीप बन सकता है। बिल्कुल बच्चों, चलिए खैर, तो द्वीप समझ में आया, यानी कि पहले यह किसी महाद्वीप का भाग था परंतु विवर्तन की क्रिया, टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से यह टूट के अलग हो गया। ग्रेट एग्जाम्पल इज मेडागास्कर, या फिर आप लोगों ने जरूर सुना होगा ये साहब यहाँ पर हैं ग्रीनलैंड। माना जाता है कि कभी ये यूरोप से जुड़े हुए थे परंतु ये साहब आगे बढ़ते बढ़ते टूट के पश्चिम की ओर चले। तो इस तरह के द्वीप कहलाते हैं प्रवाह निर्मित द्वीप। ठीक है बच्चों, कुछ इसमें और भी कुछ फैक्चुअल बातें मैं जोड़ दूं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती। ये जो द्वीप हैं इनका बड़ा महत्व है, पहले ही मैंने कहा विशेष रूप से जो द्वीप ज्वालामुखी की क्रिया से बने हुए हैं उष्णकटिबंध में स्थित हैं, वे द्वीप विभिन्न प्रकार की वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना, यानी कि जैविकता के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ इन द्वीपों पर
एक बड़ी जनसंख्या मानव के अधिवासित है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, इसीलिए इन द्वीपों को प्रायः पूछा जाता है। इसके एंगल कई तरह के आपके पेपर में होते हैं, जैसे कई बार ये द्वीप जो हैं कोई द्वीप होगा किसी देश के अंडर में है, खासकर UPPCS वगैरह में, टाइम टू टाइम UPSC वगैरह में भी कि कौन सा द्वीप किस देश के अंडर में है वह भी पूछ दिया जाता है, या कोई द्वीप विभिन्न प्रकार की गतिविधि कर रहा है वो पूछ दिया जाता है, या किस महासागर में स्थित है ये पूछ दिया जाता है। तो इन्हीं सब एंगल पर मैं भी और चर्चा करना चाहूँगा, 2 मिनट और लूँगा। यदि सबसे बड़े द्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप बच्चों कौन है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड तो अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, वैसे तो ज्योग्राफिकली इट्स ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका कभी के नजदीक है, परंतु इसकी खास बात यह है कि यह पॉलिटिकली पार्ट ऑफ यूरोप यानी डेनमार्क के अंतर्गत आता है। इसकी जो कैपिटल है नुक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहीं पे इसकी कैपिटल है और ये डेनमार्क है इसी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, अब तो इसको ऑटोनोमस बॉडी का स्टेटस भी दे दिया गया। एक बात और इस द्वीप के बारे में ध्यान रखना कि ये द्वीप न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है परंतु एक व्हाइट चादर वाला द्वीप है। व्हाइट चादर से मतलब हमेशा बर्फ जमी रहती है, और जब भी किसी क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमी रहती है तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन, परमानेंटली फ्रोजन, यानी ऐसा क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो ग्रीनलैंड इज ए परमाफ्रॉस्ट रीजन। और एक खास बात ध्यान रखना ग्रीनलैंड के बारे में कि ग्रीनलैंड पर ही उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्न तापमान 66 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यानी दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दीज टू पोल्स आर वेरी वेरी कोल्ड, और तीसरा स्थान ये है, ये फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है, जब कोई स्थान बड़ा ठंडा होता है तो उसे कहते हैं थर्ड पोल, तो थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है। कोई भी प्लेस हो सकता है, आपके यहाँ भी कोई स्थान बहुत ठंडा है, जैसे द्रास को हम लोग भारत का थर्ड पोल कह सकते हैं, यानी भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन है, द्रास, जम्मू कश्मीर रीजन में। चलिए खैर, तो बच्चों ये हुआ, यहीं पर आप जाओगे कनाडा के इस भाग में एलिजाबेथ आइलैंड पर नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह भी पाया जाता है, तो ध्यान रखना क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पर मिलता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण द्वीप दिखाई देगा, क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, जिसकी कैपिटल है हवाना, और हवाना फेमस है शिगार के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहीं पर आप लोग देखोगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे, बहामास, जो प्रवाल के निर्मित द्वीपों का एक बहुत बड़ा समूह है जो टूरिज्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद बच्चों आप आओगे अटलांटिक महासागर में, तो यहीं पर एक द्वीप मिलेगा, सेंट हेलेना द्वीप, आप लोगों ने जरूर सुना होगा सेंट हेलेना द्वीप के बारे में, यहाँ पर जहाँ पर नेपोलियन को बंद कर दिया गया था, तो याद रहेगा। फिर बच्चों आओगे हिंद महासागर में, हिंद महासागर में काफ़ी मात्रा में द्वीप पाए जाते हैं। हिंद महासागर में यदि द्वीपों की बात करें तो बड़ी संख्या में द्वीप इसके उत्तरी भाग में, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों पर भारत का अधिकार है, और यहीं पर कई द्वीपों के नाम बदले हैं, उनको आप लोग ध्यान रखें, कभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा, तब तक आप लोग थोड़ा काम करिए। इसके बाद यहीं पर देखेंगे मॉरिशस है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। फिर यहीं पर मेडागास्कर है, मेडागास्कर फेमस है वनीला के लिए, पता है बच्चों वनीला आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी, जो एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है, तो दुनिया में सबसे अधिक वनीला का प्रोडक्शन मेडागास्कर द्वीप पर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर आप जब जाओगे तो जंजीबारन पिम्बा द्वीप मिलेंगे, तंजानिया के एकदम सामने, जंजीबारन पिम्बा सुना होगा, दीज टू आइलैंड्स आर वेरी वेरी फेमस फॉर क्लोव, ये लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया की लगभग 80% लौंग इन्हीं दोनों द्वीपों पर होती है, जंजीबारन पिम्बा में। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं विशेष रूप से यहाँ पे न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड भी एक बड़ा द्वीप समूह है जो
एक द्वीपों का एक द्वीप है जो विशेष रूप से इंग्लैंड में, जिसे दक्षिण पूर्व का इंग्लैंड भी बोला जाता है। इसमें दो द्वीप है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, याद रहेगा बच्चों। फिर यहीं पे आओगे, ये देखो द्वीपों का एक बड़ा आर्क मिलता है। जैसे जापान में जाओगे तो जापान द्वीपों का एक बड़ा समूह है जिसमें 3,900 द्वीप हैं, और उन्हीं में से चार द्वीप बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे होन्सु, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू, ठीक है। उसी के बाद आते हैं, यहीं पर मिलेगा ये फिलीपींस, और फिलीपींस द्वीपों में बड़ा ही महत्वपूर्ण द्वीपों का ये भी समूह है, जिसमें लगभग 7,100 द्वीप हैं, जिसमें मिंडनाओ और लुजोन और सीबू, ये तीन महत्वपूर्ण द्वीप हैं। ये भी ज्वालामुखी की क्रिया से इसके अधिकांश द्वीप बने हुए, तो फिलीपींस भी एक सघन जनघनत्व वाला देश है, सिमिलरली जापान। फिर आते इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 13,900 द्वीप, 13,600 द्वीप है, और दुनिया का सबसे बड़ा देशों का समूह है। अब बच्चों मैं ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ, दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों की उपस्थिति किस महासागर में मिलती है, तो ये बताओ जरा कौन से महासागर में है। ऑल दीज आर सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन, तो आप कह सकते हो प्रशांत महासागर में, जहाँ 13,000 तो 13,000 से अधिक तो इंडोनेशिया में ही है, 7,000 तो सात द्वीप उसमें, उसी में क्या बोलते हैं फिलीपींस में, और लगभग 3,900 जापान में, यानी कि 22,000-23,000 24,000 तो यहीं पर हो गया। बाकी जो द्वीप देखते हो इंडियन ओशन में और अटलांटिक में, यानी कि सबसे ज्यादा द्वीपों की उपस्थिति अटलांटिक महासागर के, द्वीपों की उपस्थिति प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े द्वीपों के समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान, ठीक है। यहाँ पर प्रवाल निर्मित द्वीप और वोल्केनो फॉर्म्ड आइलैंड सभी तरह के मिलते हैं। उसके बाद आप देखोगे इंडियन ओशन में भी बड़ी संख्या में द्वीपों की उपस्थिति पाई जाती है, उन्हीं क्रम में आप लोग अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप, मालदीप, मॉरिशस, आपके मेडागास्कर, जंजीबार, पेम्बा, बहुत सारे द्वीपों को सुनते हैं। यहीं पर देखो सकोत्रा द्वीप भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग करंट में चर्चा में सुनते रहते होंगे, यहीं से सोमालिया है, यहीं से जब जहाज गुजरती हैं तो यहाँ पर कई बार जहाजों को लूट लिया जाता है। और जब अटलांटिक ओशन की बात देखते हैं, अटलांटिक ओशन में विशेष रूप से द्वीपों की उपस्थिति इसके पश्चिमी भाग में मिलती है, जिसे वेस्टर्न डीज बोलते हैं, या फिर ब्रिटिश इसलीज, यानी कि देखो ब्रिटिश के एरिया में मिलता है, जैसे यहीं पर देखो कि ब्रिटेन है, यहीं पर आयरलैंड है, या ब्रिटेन के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह मिलते हैं, जैसे अर्कनीज, शटलैंड, ठीक है, फेरोज, ये सभी द्वीप आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बच्चों आपका डायमेंशन हुआ, ये जितने भी मैंने फैक्ट्स बोले, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। हो सकता है इस पर मेंस में आपके प्रश्न पूछ दिए जाए, तो जरा प्रश्न लिखो जल्दी से कि महासागर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के द्वीपों, महासागर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के द्वीपों का वर्णन कीजिए और उनके महत्व को भी समझाइए, याद रखे रहेगा आपको। नेक्स्ट, सागर नीतल के उच्चावच पर प्रकाश डालिए और इनके महत्व को भी बताइए, प्रश्न नंबर दो है। ये सभी आपके 200 शब्दों में लिखने, ठीक है। और एक कल मैंने प्रश्न बोला ही था कि महाद्वीपीय मैग्नेट से आप क्या समझते हैं, या महाद्वीपीय मैग्नेट की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्व को भी समझाइए। इस तरह से इन तीनों प्रश्नों पर आप लोग काम करिए, आगे बढ़िए। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग मिलेंगे और अगली क्लास में विशेष रूप से लवणता और तापमान पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।